साथियों गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज वर्ष 2020 के नवंबर माह का फर्स्ट डे है और आपका पूरा महीना बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम हमारी कंप्यूटर की क्लास को प्रारंभ करते हैं। साथियों, ये अपना फोर्थ क्लास है इस ओपीयू डिजिटल प्लेटफॉर्म से, देवड़ा कॉन्सेप्ट के सौजन्य से, देवड़ा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। साथियों, काफ़ी प्रयत्न करने के बाद ही हम लोग अपनी एनर्जी दे रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी लोग कम जुड़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अन्य साथियों को भी कहें कि इस क्लास को अटेंड करें, जिससे और किसी कोई बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप जल्दी से अपने ये जो वीडियो लिंक है अपने स्टेटस पर डालें, अपनी फेसबुक पर डालें और मित्रों को शेयर कर मुझे थम्स अप वापस करें, जल्दी करें, मुझे इन्फॉर्म करें कि सर वी हैव ऑलरेडी शेयर दिस लिंक टू ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग योर रेस्पॉन्स, प्लीज टेल मी। बिल्कुल भंवर जी आ गए हैं, जादू गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग जी, सुनील जी गुड मॉर्निंग, राम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। बिल्कुल मोती जी भी आ गए, गुड मॉर्निंग, और जो लोग वोट दे रहे हैं वो वोट भी दें। आज सुबह सुबह क्या हुआ, जब मैं वोट देने गया था तो मशीन पे कुछ ढूंढ रहा था, कंफ्यूज था, तब तो मोदी जी आए मशीन पे कि क्या देख रहा है बेटा, देश सबसे पहले, तो फट हमने वोट दे दिया। तो इसी सबको वोट दिलवाना है। बिल्कुल हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय साथी लकी जी भी आ गए हैं, जो हिंदी के बहुत अच्छे टीचर हैं, आप क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे, इनका लकी कॉन्सेप्ट करके हिंदी में यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, आपको हिंदी सीखने को मिलेगा इनसे। अधिक से अधिक को शेयर करें, अपने स्टेटस पे डालें, अपने सोशल मीडिया पे डालें लिंक को, और आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं अभी कितने लाइव आए हैं, कितने हैं इसमें। जल्दी कीजिए साथियों, चौथाराम जी भी आ गए हैं, एन के प्रजापति जी आ गए, राम राम गुरु जी, बिल्कुल इन एन के प्रजापति लगता है हमारे गांव के प्रजापति जी होंगे लगता है। 9 लोग अभी लाइव हैं, है ना, शेयर करो भाई ये वीडियो लिंक शेयर करो। चलो 11:05 हो गए हैं, ज्यादा वेट मैं नहीं करूंगा, अब मैं मेरे कर्म को करने के लिए आगे बढ़ता हुआ, आपको अपना कर्म करना है शेयर करके इस लिंक को। अब मैं मेरे कर्म को चलते हैं अपने अगले 50 क्वेश्चंस की ओर। साथियों, अपना पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा है, इसको प्रश्न को पढ़ें और इसका उत्तर मुझे एज अ कमेंट वापस रिप्लाई करें, जल्दी करें। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? साथियों, अपना जो सीपीयू होता है, ठीक है, उसके बेसिकली 3 भाग होते हैं आपके पास, एमयू, एएलयू और सीयू, क्लियर। उसकी तो अपन क्या करेंगे इसमें, अपरा मेमोरी यूनिट, सी का कंट्रोल यूनिट और एएलयू का इसके सामने लिखा हुआ, जल्दी बताइए मुझे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्लियर। तो आंसर ए इज करेक्ट, आगे चलते हैं। बिल्कुल भंवर जी का आंसर सही, चौथाराम जी, लकी जी, राम प्रकाश जी, एन के प्रजापति जी, मोती जी गोयल, सुनील जी भादू, सभी विद्यार्थियों का आंसर सही, बिल्कुल। पुष्पा जी चौधरी भी आए हैं, वंदे मातरम पुष्पा जी, आगे चलते हैं। सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, रैम, रोम और डीवीडी। साथियों, अपना जो मेन जो प्रोसेसर होता है वो ये जो प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर प्रोसेसिंग में मेमोरी को उपयोग में लेता है। तो सबसे एक मेमोरी होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, जो बहुत दूर होती है, जहाँ सबसे लास्ट में एक्सेसिबिलिटी होती है, उसके बीच हमारे पास क्या हो गई,
रैम, उसके बीच में हमारे पास क्या होगी, कैश मेमोरी। कैश के अंदर ही हमारी एक पार्ट होता है रजिस्टर का पार्ट। किसका पार्ट होता है? रजिस्टर का। तो ये सबसे इसकी जो टाइम एक्सेसिबिलिटी है वो भी बड़ी फास्ट है, ये इसकी स्पीड बड़ी तीव्र होती है। तो आंसर ए विल बी ट्रू। क्लियर, आगे चलते हैं। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था और कौन सी जनरेशन बना था? तो साथियों सबसे पहले देखो कौन सी बनाया था, आया था फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। जनरेशन के अंदर की बात करें अपन, तो इसका ईयर जो था वो ईयर था 1971। बी आंसर सही है इसका, बिल्कुल सुनील जी भादू जी का आंसर आ चुका है बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। मुझे लगता है आप एंजॉय कर रहे होंगे। यदि एंजॉय कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, किसने बनाया था? अमेरिका वालों ने बनाया होगा बेचारों, किसी बाहर वालों, अपने भारत वालों ने क्या बनाया होगा? कुछ नहीं बनाया भारत वालों ने, गप्पे मारते हैं भारत वाले, ठीक है। कुछ करना है हमको देश के लिए, इसलिए पहला माइक्रो प्रोसेसर वाली कंपनी कौन सी थी? इंटेल। और आजकल हम जो भी देख रहे हैं वो सारा P4 की बात करें, चाहे I3 की बात करें, चाहे I5 की बात करें, I7 की बात करें, सारे प्रोसेसर इसी कंपनी के हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अधिकतम विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही, मोती जी गोयल वगैरह के, अनिल जी के, मनोहर जी के। माफिया भी भाई कौन है भाई, ये माफिया भाई कौन है? नाउ इंटेल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इंटेल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताएं आंसर मुझे, मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल आंसर सही आता हुआ मनोहर जी का और अनिल जी का, बिल्कुल धुआंधार चौका मारा इन्होंने इस प्रश्न के ऊपर, ज्ञान सीमा रेखा से बाहर। सी आंसर सही, कैलिफोर्निया। बिल्कुल, बहुत अच्छा शहर है और इस शहर को जाना जाता है कि गूगल का ऑफिस भी कैलिफोर्निया में है। क्लियर, आईटी का बहुत बड़ा सिटी है वहां, अपन को कभी मौका मिले अपन चलेंगे घूमने। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है, बट इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, यहां तो हो ही नहीं सकता, दिल्ली और मुंबई में तो कहाँ होगा बताइए मुझे। बिल्कुल आंसर सही आता हुआ सुनील जी, राकेश जी पवार साहब, बिल्कुल आपका नाम आता है, बिल्कुल आता है सर, वाशिंगटन। आंसर बिल्कुल वाशिंगटन सही सही है। आगे चलते हैं। जिन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, मतलब अपने घरे जगह कंप्यूटर आप उपयोग लो, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह इंड में कहीं ला गया करे, है ना, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर बिल्कुल आंसर बी सही है इसका, सुनील जी भादू का आंसर, मोती जी गोयल, राम प्रकाश जी प्रजापति, मनोहर जी, माफिया जी भाई, ये माफिया जी भाई भाई हो नहीं हो सकता, अपना नाम चेंज करो यूट्यूब से। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। स्कैनर का कार्य क्या है? स्कैनर क्या करता है? इसके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है, क्या करता है कि जो भी डेटा है प्रिंटेड फॉर्म में पेपर के रूप में उसको एज ए डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में देता है। जैसे माना कि आपका कोई फोटो है थोबड़ा थोड़ा सही नहीं है और आप चाहते हो एडिटिंग करके मस्त बनाना चाहते हो, तो फोटो को क्या कर लो, पहले स्कैन कर लो, कंप्यूटर में उसकी कॉपी बन जाएगी एक डिजिटल, उसमें एडिटिंग कर लो, बढ़िया कोट वोट गोरा चिकना कर दो, शादी आदि में काम आएगा, बढ़िया सुंदर फोटो, है ना। क्योंकि साथियों सोशल मीडिया पे कई लोगों की जितनी फोटो सुंदर होती है उतने जीवन में सुंदर होते नहीं है वो, है ना। तो इसके अंदर का कार्य क्या था? डिजिटल डेटा को फिजिकल डेटा में बदलना या फिजिकल डेटा को डिजिटल डेटा में बदलना? बिल्कुल बी इज आंसर सही, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर सही आया है राकेश जी पवार का, बिल्कुल चौका मारा है ना, ज्ञान सीमा रेखा से बाहर। आगे चलते हैं। MICR साथियों अपने पास कुछ स्कैनिंग डिवाइस होते हैं, क्या होते हैं? स्कैनिंग डिवाइस होते हैं जिसमें क्या क्या आते हैं सब बता देता हूं आपको।
नंबर एक आपका स्कैनर, ठीक है, दूसरा आपका ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, बार कोड रीडर, ये सारे आपके स्कैनिंग डिवाइस है। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ इसके इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एमआईसीआर का, जो मतलब बैंकिंग सेक्टर में काम आता है, बैंक के अंदर जो चेक अपन उपयोग देते हैं चेक ना, उस चेक को वैलिडेट करने के लिए चेक नंबर को, कि वो चेक कहीं फर्जी चेक तो नहीं है, डुप्लीकेट चेक तो नहीं है, किसी ने प्रिंट तो नहीं कर दिया ऐसे कहीं, तो उसके लिए हमारे होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों सही हो सकता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये तो वैसे ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये आंसर सही हो गया ए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीड या रिकॉग्निशन जगह रीडर भी हो सकता है, दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ रीडर और रिकॉग्निशन कुछ भी हो सकता है, आप इसको एक ही माने। आगे चलें, इस तरह से ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर और ओसीआर का ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। आगे हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न और आए, इसलिए मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, जिसे उत्तर आप जल्दी से दे दें। हाँ आ गया जी, आ गया, जिसकी हमें डर था, जिसका हमें भय था, आशंका थी, वही प्रश्न आ गया, जल्दी से बताइए आंसर इसका। दसवें प्रश्न का उत्तर ओएमआर का पूरा नाम, सुनील जी भादू का आंसर ए आ चुका है, भूपिंदर सिंह जी का, दिनेश चौधरी जी का, राम प्रकाश जी का, बाबा जी भी आ गए, बोलो बाबा जी रामदेव की जय हो। आगे चलते हैं, तुम्हारे पास क्या है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, क्लियर। नाउ साथियों होता क्या है कि अपन जिस एग्जाम में आंसर देते हैं और ये गोले जो बने होते हैं, इस गोलों को आप काली करते हो या ऐसे चौकोर टाइप होते हैं उनको काले करते हो ना, तो उसको जो चेक करने वाली जो मशीन होती है उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, क्लियर क्लियर, समझ गए। आगे चलें, बिल्कुल आनंद आ रहा है ना आपको, तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, है ना, आनंदम लिख सकते हैं। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी में आता है, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और सीरियल प्रिंटर। साथियों दो तरह के हमारे पास, हम वैसे और भी तरह होते हैं, वहां पर भी हम दो तरह के बात करेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, क्लियर। इंपैक्ट का मतलब जो ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट करते समय उनका जो प्रिंट हेड है वो टच होता है दी पेपर के, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो लाइट सेंस से, लाइट वेव से या स्प्रे से प्रिंट करते हो, वो क्या कहलाते हैं, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, क्या हो गया, प्रभाव, ठीक है ना। जैसे अपन स्कूल में गुरुजी जब कहते हैं तो कई तो शब्दों के प्रभाव से ही सुधर जाते हैं, कई डंडे के प्रभाव से सुधरते, डंडा हाथ पे लगता है ना, मंडती भी होगी आपके थोड़ी थोड़ी, तो वो क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है वहां से, ठीक है। लेकिन गुरुजी के शब्दों से, है ना, दुत्कारने से आप समझ गए, तो नॉन इंपैक्ट था आपके पास, क्लियर। तो हमारे पास लेजर प्रिंटर क्या हो गया, वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर और आपका ये इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो नॉन इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर में क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको हम शॉर्ट में डीएमपी प्रिंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएमपी प्रिंटर बोलते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या लगा होता है हमारे पास, रिबिन लगा होता है, जो अपन देखते हैं मेडिकल की दुकान पे, एलआईसी ऑफिस वगैरह, ट्र ट्र करता रहता, वो आपका क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। चलते हैं आगे 12वें प्रश्न की ओर, एसएमपीएस का पूरा नाम बताइए जल्दी से, ओ ढाका साहब आ गए हैं, ढाका जी वंदे मातरम, ढाका जी साहब सब्जी बना रहे थे इसलिए लेट हो गए हैं थोड़े, बिल्कुल आंसर दीजिए मुझे जल्दी से, एसएमपीएस का पूरा नाम, रामदेव जी का आंसर सही आ गया है, स्विच मोड पावर सप्लाई। मैं साथियों अब इसको समझाता हूं,
देखो स्विच का मतलब क्या होता है, बदलना, है ना। अपने घरे लाइट में नहीं, अपना बस बट खटको कया करा, उन्हें हिंदी में स्विच कया करा नहीं। स्विच का मतलब क्या होता है, हम उसका जो जो इलेक्ट्रिसिटी का मोड ही तो बदल रहे हैं। यदि वो ऑन है तो ऑफ हो जाएगी, ऑफ है तो ऑन हो जाएगी स्विच को पटकोगे तो। तो हमारे यहाँ भी स्विच का मतलब होता है बदलना, किसका मोड बदलते हैं, किसका पावर सप्लाई का मोड बदलते हैं। कि गुरु जी और मोड बड़की कर बदली दे, तो इन वास्ते में यूं कहूँगा आपने कि अपना जो को कंप्यूटर वे, ये कंप्यूटर अपना किस लाइट को समझता है, डायरेक्ट करंट को समझता है, किसको डीसी को समझता है, किसको समझता है डीसी को। बट तार से जो हमारे पास करंट आ रहा है वो किस में आ रहा है, एसी में आ रहा है। तो ये स्विच एसएमपीएस भाई साहब महोदय क्या करते हैं, एसी को कैसे बदल देते हैं, डीसी में बदल देते हैं, क्लियर। इसलिए इनका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। पूजा जी भी आ गए, वंदे मातरम पूजा जी, चलते आगे। निम्न में से कौन से सबसे तेज और सबसे बड़ा, सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है, क्लियर। अब आप सोच रहे होगे आपने बहुत बढ़िया हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर ले रखा, लाख रुपए का, आप सोच रहे हो मेरा ही सबसे बड़ा दुनिया में। ऐसा नहीं है साथियों, कंप्यूटर और महंगे महंगे आते हैं जो सर्वर साइड साइड में उपयोग होते हैं। बताओ जल्दी से आंसर दीजिए मुझे 13वें प्रश्न का। दशरथ जी बालोटिया का आंसर आ गया है ए, सही, बिल्कुल सही आंसर है। राम प्रकाश जी भी सही, पिंकी जी भी सही, मोती जी भी सही, चलते हैं। सही तो सब सही, तो हम भी सही, आगे चलते हैं। बिल्कुल पूजा जी क्या करें, हम रीट वालों के लिए भी कुछ मोटिवेशन वीडियो बनाई सही है। बिल्कुल पूजा जी बिल्कुल, मोटिवेशन जल्द बना रहे हो, अब अपना खुद का ये स्टूडियो है, चिंता ही मत करो। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, जल्दी बताइए। इंकजेट है, थर्मल है, लेजर है, डेजी वेल प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज प्रिंटर के साथ मतलब ये हुआ कि देखो एक कुछ प्रिंटर अपन कैटेगराइज करें ना, तो कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो करेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं, कुछ ऐसे प्रिंटर जो लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। करेक्टर प्रिंटर का मतलब साथियों जो एट अ टाइम एक एक करेक्टर प्रिंट करते हो वो करेक्टर प्रिंटर है, और एट अ टाइम पूरी लाइन छाप देते हो वो क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं। तो हमारे पास जो है, आपके पास लेजर जो प्रिंटर है वो आपका एक जो करेक्ट लाइन प्रिंटर है, और एक साथ आपकी स्पीड से लाइनों को प्रिंट करके फटाक से A4 प्रिंट निकाल देता है। तो हमारे पास क्या हो गया, आपके पास सर्वाधिक गति वाला क्या हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, क्लियर। आगे चलें, ये प्रिंटर तो अपने दादा दादा के साथ सब उपयोग होते थे, आजकल उपयोग होते ही नहीं है। आगे चलते हैं, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाता है। साथियों अपने को वायरस से कौन बचाता है, मास्क महोदय, अपने ऐसे मित्र हैं आजकल, मास्क जी अपन को वायरस से बचाएंगे, किसी डस्ट से बचाते हैं, पॉल्यूशन से बचाते हैं। और अब तो मास्क पहनना ही पहनना चाहिए, जिंदगी में धारण कर लो, सर्दी नहीं लगेगी, पूरी ठंड नहीं लगेगी नाक से। हाँ जल्दी से बताओ मुझे आंसर है, पूजा जी का आंसर आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आंसर एंटीवायरस इज करेक्ट, क्लियर। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाता है, क्लियर। तो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो हमें कंप्यूटर से बचाता है, जिसमें क्विक हील हो सकता है ना, और भी कई सारे हैं। आगे चलते हैं, नमस्ते सेठाराम जी, नमस्ते, वंदे मातरम। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, बिल्कुल दशरथ जी का भी आंसर है, एक वायरस का एंटीवायरस का प्रोग्राम ने अवास्ट का नाम दिया, बिल्कुल। एक मैकेफी भी होता है, एक नॉर्टन भी होता है, और भी कई सारे होते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उत्तर दिया, वंदे मातरम। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी की स्टोरेज, साथियों क्या था हमारे पास, ये हार्ड डिस्क तो लेट आया, उससे पहले हमारे यहाँ फ्लॉपी से काम होता था। किससे काम होता था, फ्लॉपी से। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे कि पहले कंप्यूटर ऑन करने के लिए पहले अपन को फ्लॉपी डालनी पड़ती थी, उस फ्लॉपी से कंप्यूटर बूट होता था और फिर अपना कंप्यूटर चलता था, डेटा स्टोर करने फिर फ्लॉपी डालनी पड़ती थी। कितने दुख देखे होंगे अपने पिताजी वगैरह दादाजी ने कंप्यूटर यदि उपयोग किया होगा, या पुराने जमे के लोगों ने। आज तो आप फटाक से पेन ड्राइव डालते हो अपना डेटा ले लेते हो। तो फ्लॉपी हमारे पास दो प्रकार की आई थी, एक तो आई थी 3.5 इंच की, उससे पहले आई थी 5.25 इंच वाली फ्लॉपी, 5.25 इंच वाली फ्लॉपी अपने पास आई थी, जिसकी कैपेसिटी थी 1.24 MB, और इसकी कैपेसिटी है 1.44 MB। तो आंसर करेक्ट इज 3.5 वाली का क्या है, 1.44 MB, आंसर इज करेक्ट, ए इज आंसर करेक्ट, बिल्कुल। आगे चलें, बिल्कुल
रैम किस प्रकार की मेमोरी है? देखो वीसीआर का कुछ पूछ रहे हैं, वीसीआर में वीडियो कैसे रिकॉर्डर होगा इसका फुल फॉर्म। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? देखो साथियों, रैम जो है, एक हमारे पास रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी, कॉमन बात क्या है दोनों में? प्राइमरी मेमोरी है। दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों प्राइमरी मेमोरी है। क्लियर? ये जो है, ये है, इसको बोलते हैं हम डायनेमिक रैम। क्या बोलते हैं? डायनेमिक होती है, और ये होती है हमारे पास स्टेट, स्थिर होती है, मतलब परमानेंट होती है। क्लियर? इसको हम टेम्पररी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पररी, मतलब अस्थायी। ठीक है, ये परमानेंट होती है। अब रैम जो है, इसको अस्थायी भी बोलते हैं और वॉलेटाइल भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों सही, तो डी विल बी आंसर ट्रू। वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आईसी चिप बनी होती है, आईसी किससे बनी होती है? आईसी का पूरा नाम बताओ, इंटीग्रेटेड सर्किट। किससे बना होता है? लकड़ी से तो नहीं होता है, इन्हीं में से किन्हीं में से होगा, ढूंढ के बताओ मुझे। वेरी गुड, सेठाराम जी का आंसर बिल्कुल सही, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन। बिल्कुल आंसर सही, सिलिकॉन। आगे चलते हैं। ब्लूटूथ उदाहरण किसका है? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? जल्दी से बताइए। ब्लूटूथ जो है, अपन साथियों कोई भी कनेक्टिविटी करते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं, बच्चे मेरे से कुछ पढ़ के गए हैं कि हमारे पास सबसे छोटा जो नेटवर्क आता है, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज जो होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो एग्जाम्पल इसका हम बोलते हैं, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लूटूथ। एज वेल एज व्हेन यू आर चेंजिंग द चैनल ऑफ टीवी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पेन। व्हेन यू आर लॉकिंग योर फोर व्हीलर यूजिंग सेंट्रल की लॉक, इट इज काइंड ऑफ ऑल्सो काइंड ऑफ पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो हमारे पास ब्लूटूथ का क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पेन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और कई जगह आपको यदि प्राइवेट एरिया भी लिखा आए तो भी सही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। कंप्यूटर बूस्ट बूट, कंप्यूटर बूस्टिंग का मतलब का अर्थ क्या है? ये कंप्यूटर बूटिंग पूछ रहा होगा शायद, हो सकता है ऐसे रह गया, ऐसे डाल दिया होगा उन्होंने। बूटिंग का मतलब बताओ। तो देखो साथियों, वैसे बूटिंग दोनों टाइम होती है, आपके पास कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होती है और कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट वैसे यहां नहीं है, तो हम इसको आंसर ए सही करेंगे। क्लियर? अगला चले, एमएस वर्ड में कौन सी की संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए करते हैं? पहले जैसा मतलब, देखो कभी कभी साथियों किसी आदमी के पास दुर्घटना हो जाती है तो सोचता है यार सब पहले जड़ा हो जाता है, ठीक है। अपन भी सोचते हैं कोरोना से सब परेशान हो गए, है ना, तो हम भी चाह रहे हैं कि पहले जैसा सब हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, बट हमारे कंप्यूटर के यहाँ बहुत सुंदर सुविधाएं हैं कि पहले जैसा आप कर सकते हो, एक स्टेप पीछे जा सकते हो। तो आंसर विल बी कंट्रोल प्लस जेड, आंसर बी इज करेक्ट। बिल्कुल, कैलाश जी का भी आंसर आ चुका है, सीएम प्रजापत, सीएम भी साहब आ गए हैं, प्रजापत साहब, बिल्कुल जी। आगे चलते हैं, आगे चले। 22वां प्रश्न, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 का सही अनुक्रम चुने। क्या 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 आया था आपके पास? वैक्यूम ट्यूब आई, फिर क्या आया, फिर क्या आया, जल्दी से बताइए मुझे। ये आंसर जो देगा वो सबसे होनहार विद्यार्थी होगा। बिल्कुल आंसर आने लग गए हैं, दशरथ जी, बालोटिया, राम प्रकाश जी, सेठाराम जी, इसका सबके आंसर सही है। वैक्यूम ट्यूब आई फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर आई सेकंड जनरेशन, आईसीआई थर्ड ग्रेड, थर्ड जनरेशन आईसी का हिंदी रूप होता है एकीकृत सर्किट। फिर माइक्रो प्रोसेसर आए फोर्थ जनरेशन, जिसका जो टेक्नोलॉजी थी वो VLSI थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आई माइक्रो प्रोसेसर था ये भी, फिर आई UL SI,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बाकी प्रोसेसर आए, तो आंसर इज ट्रू। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अपन साथियों कोई भी वेबसाइट से कोई भी लॉगिन करते हैं, आईडी पासवर्ड डालते हैं, नाम फलाना ढिमकाना डालने के बाद ये कैप्चे कोड होता है ना, जैसे अटरम सटरम लिखा हुआ ये इसको देख के क्या हुआ, ये कैप्चा कोड क्यों डाला जाता है, इसका कारण बताओ, इसमें लिखा पूछ रहा है। ये कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान छिपाने के लिए, वायरस को हटाने के लिए और उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। ये जो उत्तर बताएगा वो सबसे होनहार विद्यार्थी होगा। अनिल जी का उत्तर आता हुआ, दशरथ जी का भी उत्तर आता हुआ, और बिल्कुल उत्तर सही है इनके, बहुत ही सुंदर जवाब। गैस सीमा रेखा से बाहर। साथियों क्या होता है, जब अपन कोई ऑनलाइन फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो हमें फैसिलिटी मिलती है, आप डेटा वेटा डाल दो, उसके बाद कैप्चे कोड डालना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमें ये बचाया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि फॉर्म आपका जो फिल कर रही मशीन कर रही कोई, है ना, इस थ्रेट को रोकने के लिए हमसे कैप्चे कोड पूछा, क्योंकि कैप्चे कोड है या कभी कभी ऐसा लिखा है 8+8 जो होगा वो लिखना हुआ, तो ये एक ह्यूमन बींग ही उसको रीड कर सकता है, इसलिए कैप्चे का अपन उपयोग में करते हैं। अगला लिखो, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वेब पेज से क्या बनाए जाते हैं, वेब पेज किससे बनाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। वेब पेजेस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आंसर आता हुआ विद्यार्थियों का, HTML, CC, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिंकी जी का भी आंसर सही है, HTML, और HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, भाषा। क्लियर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा गड़बड़ कौन सा है भाई इसमें से, वो ढूंढो। मुझे सब कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, मुझे सब बढ़िया ही लग रहे हैं, है ना, बताओ फिर भी ढूंढो क्या गड़बड़ी है इसमें। विषम कौन सा है, मतलब इन शब्दों में से जो लिखे हैं तीन शब्द एक दूसरे से मिलते हैं बट विषम कौन सा है, जल्दी से बताइए। सबके आंसर सी आ रहे हैं, सबके आंसर सी आ रहे हैं, आंसर आपके बिल्कुल खोटे हैं। क्योंकि साथियों ये भी और ये भी तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा माउस और कीबोर्ड, ये बाबा जो है ये आउटपुट डिवाइस वाले बाबा जी है। क्लियर, इसलिए इससे क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। चलते हैं आगे। हाँ, कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस जल्दी से बताइए। आनंद आ गया लगता है रामदेव जी को। हाँ, कंप्यूटर वायरस बताइए क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, कोई बहुत बड़ा कीड़ा है, नहीं कुछ और है, बताइए क्या है। और कंप्यूटर वायरस एक क्या है, हार्डवेयर तो नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है, एक प्रोग्राम ही है, एक सॉफ्टवेयर टाइप ही है, तो ये इसका हम क्या करेंगे, सही करेंगे। क्लियर, वैसे आंसर तो एग्जैक्टली देखे तो वैसे उत्तर भी गलत है, यहां प्रोग्राम होना चाहिए कोई भी, है ना, लेकिन अभी इसको मान लेंगे अपन, लेकिन एग्जैक्टली आंसर कंप्यूटर वायरस भी सॉफ्टवेयर होता नहीं है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, यहां लिखना था मैलिशियस प्रोग्राम, है ना। चलते हैं आगे, डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, जल्दी से बताइए। भारत में 135 करोड़ आबादी, फिर भी मेरी क्लास में 20 ऑनलाइन है, है ना, तो देख सकते हो पढ़ने वालों की कितनी संख्या है। डीबगिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने की
एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को जांचने की और एक कार्यक्रम को डिजाइन संरचना करने की। माने दाटे बैंब वे ओ होना जीजे, बिल्कुल बैंब नहीं है साथियों, बिल्कुल सही है, आंसर इज करेक्ट। कि अपन किसी प्रोग्राम से जब एक्चुअली क्या होता है साथियों, जो सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद टेस्टिंग मोड में जाता है, तो टेस्टिंग मोड में उसकी एरर फाइंड आउट की जाती है कि ये ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, ये प्रॉपर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एरर निकालने का अपन बोलते हैं डीबग, सॉरी बग यानी एरर हो गया और उस एरर जो अपन ने सही किया त्रुटियां निकाली डीबगिंग कहलाता, क्लियर, बग यानी एरर। एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रश्न, बिल्कुल सुंदर प्रश्न। बिल्कुल मनोहर जी ने बिल्कुल सही कहा, लाइव 21 जने लाइव हैं, फिर भी लाइक 11 जने ही हैं, इतनी कंजूसी तो मत करो रे भाई, लाइक तो कर दो, अपन क्यों खर्चो लागे, जल्दी करो। एक संगठन मतलब प्राइवेट संस्था, कोई भी कंपनी हो प्राइवेट संस्था है, द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या कहलाता है? आंसर गलत आ रहा है तो साथियों आंसर करेक्ट इज इंट्रानेट। क्या होता है? इंट्रानेट। साथियों क्या होता है, जैसे अपना एयरफोर्स एग्जाम्पल आपको समझाऊं, जैसे एयरफोर्स है, एयरफोर्स डिपार्टमेंट उनका खुद का एक नेटवर्क है जिसको एफ नेट नाम से, एफ नेट नाम से वो जानते हैं, जहाँ क्या होता है उनके डिपार्टमेंट से संबंधित साइटें ही वहाँ खुलती है। इस तरह बैंक में जब जाते हो ना तो बैंक वाला आदमी कंप्यूटर में बैठता है तो फेसबुक और ट्विटर फ्विटर नहीं चलाता ना, उसकी चलती है वहाँ, सिर्फ बैंक की साइट्स बैंक के रिसोर्सेज ही एक्सेसिबल होंगे। तो कोई भी ऐसा प्राइवेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन जिसकी उस नेटवर्क में जितने कंप्यूटर उपयोग हो रहे हैं खुद के रिसोर्सेज खुद की साइट ही एक्सेस हो रही, दैट इज इंट्रानेट। अब इसको समझाने के लिए कह दूं, अपन समाज री कोई मीटिंग हुई और समाज री बात हुए उनमें, समाज ने उत्थान वास्ते समाज री वास्ते यो वास्ते, तो वो इंट्रानेट हो। और एक कॉमन मीटिंग है कटी, जैसे कोई नेताजी आया झूठा झूठा भाषण दे रहा है तो वो कहीं इंटरनेट हो उनमें, अनेक समाज का लोग आया उनमें, जानक छत्तीस कौम ने कोम मिलन इन भाई साहब ने खड़ो करियो वोट, जबकि छत्तीस कोम बेचारी कई कौन खड़ा जो तो खुद लालच वास्ते वे वे आगे चले। आगे चलते हैं, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हब की आवश्यकता होती है, जल्दी बताइए। साथियों अपने जो कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो अपन जब कंप्यूटर जोड़ते हैं, जैसे ये कंप्यूटर जोड़ दिया, ये कंप्यूटर जोड़ दिया, ये कंप्यूटर जोड़ दिया और कंप्यूटर जोड़ दिया, तो इसके बीच में एक सेंट्रल अपन नोड लगाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं स्विच या बोल सकते हैं हब। आजकल छोटे भी आने लग गए हैं राउटर, छोटे छोटे राउटर आ गए जो हब स्विच के सबके काम, एक्चुअली इसका भी एक टेक्निकल डिफरेंस है हब और स्विच का, कि पहले क्या था कि जैसे माना कि ये हब था और सिस्टम नंबर एक सिस्टम नंबर दो सिस्टम नंबर तीन और सिस्टम नंबर चार ने डेटा सेंड किया, तो हब में क्या होता था कि जब डेटा एक नंबर ने मान लो तीन नंबर को सेंड किया तो डेटा सबसे पहले किसके पास जाता था, हब के पास जाता, और हब क्या करता था उन डेटा को सबको दे देता, ब्रॉडकास्ट करता, हब क्या करता था ब्रॉडकास्ट करता था, क्योंकि हब के पास खुद का मेमोरी और खुद का ब्रेन नहीं था कोई विशेष कि उसको पता रहे कि कौन से पोर्ट से कौन सा नोड जुड़ा हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया और मार्केट में क्या आया, स्विच आया, जिसके पास थोड़ा कुछ दिमाग था अच्छा खासा, मतलब मेमोरी थी प्रोग्राम थे तो उसके पास इंडेक्सिंग रहती थी कौन से पोर्ट से कौन सा पीसी जुड़ा हुआ है। तो इसके पास जब एक नंबर से डेटा जब गया था तो डेस्टिनेशन को चेक करता है कि डेटा कहाँ भेजा जाएगा, तो डेस्टिनेशन जैसे तीन को भेजा जाएगा तो चेक करता है मेरी उसकी खुद की इंडेक्स टेबल में कि तीन नंबर नोड है कौन से पोर्ट से जुड़ा, सीधा उसी को ही भेजता है, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है,
स्विच करता है, ये फर्क है हब और स्विच के अंदर। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हब की आवश्यकता होती है। हब किस में चाहिए होता है, आपके स्टार नेटवर्क में, क्योंकि यहाँ स्टार बन रहा नहीं, सारी चीजें बस में नहीं चाहिए होता, रिंग में भी नहीं चाहिए होता है, और बस इसमें दोनों चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टार जो नेटवर्क है सी, स्टार नेटवर्क में जो है हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, स्टार। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। चयनित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटलों किस की का संयोजन का उपयोग करते हैं, कॉपी करने वास्ते किया शॉर्टकट किया, बताओ जल्दी बताओ। कंट्रोल प्लस सी इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी। आगे चलते हैं, महेंद्र सिंह जी का भी आंसर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ, प्लॉटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, वीडियो भी आउटपुट है, बट इसके अंदर महोदय क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं। तो आंसर डी इज योर करेक्ट, क्लियर, ओके। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, 1 GB में कितना होता है, कैसे चलता है बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और भी होता है। तो हमारे पास जीबी में पूछा है, तो एमबी कितने होंगे बताओ, 1024 MB इज इक्विवेलेंट ऑफ, वेरी गुड, पिंटू जी का आंसर सही, महेंद्र जी का भी सही, महेंद्र जी सिंह जी का देवड़ा, उनका भी आंसर सही, बिल्कुल सबके विद्यार्थियों के आंसर सही है। आगे चलते हैं, ये शब्द है हैकर से क्या तात्पर्य है, हिंदी गलत लिखी है इसलिए हमारे ऑप्शन था हैकर, ठीक है, हैकर से क्या तात्पर्य है, जल्दी से दीजिए। महेंद्र जी पूछा सर नॉर्मल क्वेश्चंस क्यों लाए, महेंद्र जी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, बैंक की नहीं है। हाँ, हैकर क्या है, वह व्यक्ति जो सड़क किनारे फुटपाथ पर गलियों पर माल बेचता है, गलत घोटा, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंचकर प्राप्त करते कंप्यूटर का उपयोग करता है, ये तो घोटा है ही, कंप्यूटर माल भी नहीं बेचता है, व्यक्ति को फोन कॉल रिकॉर्ड करता नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। चलते आगे, लाइट पेन क्या है, जल्दी बताओ लाइट पेन क्या है, एक माइक्रो टिप पेन है, इनपुट डिवाइस है, पेन टू राइट इन द डार्क, अंधेरे में लिखने में काम आता है, व्हाइटनेस पेन है, जल्दी बताओ मुझे, आंसर बी इज करेक्ट, इनपुट डिवाइस, क्लियर। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है, किस में आता है, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। चलते आगे, कंप्यूटर डॉट 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 के बिना काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, बिल्कुल सीपीयू महोदय के बिना बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। अब कई कुछ ने लिखा इंटरनेट के बिना काम, इंटरनेट भाई कोई मूवियां थोड़ी देखनी है, कंप्यूटर चलाने की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लू रे डिस्क एक क्या है,
वाद्य यंत्र है, मेडिकल उपकरण है, डेटा संग्रह प्रणाली है, शिक्षक शैक्षिक किट है, जल्दी से बताइए ब्लू रे डिस्क क्या है। आंसर सी इज करेक्ट। दिनेश जी चौधरी का पहला उत्तर ही सही। नाउ ब्लू रे डिस्क, ये मेडिकल वाले वो गामा किरणें वरने नहीं पूछ रही, एक्सरे वाली है। ब्लू रे डिस्क आती है हमारे पास सीडी और डीवीडी से बड़ा आजकल डिस्क आ गया है जिसमें ब्लू रे टेक्नोलॉजी यूज होती है। DOCX फाइल किसके से बनाई जाती है, किससे बनी जाती है? वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। तो सी आंसर इज योर करेक्ट। क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अनचाहे ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। और जंक मेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जंक मेल भी अपन कह सकते हैं। आगे चलते हैं। पीडीए का विस्तार क्या है? बिल्कुल महेंद्र सिंह जी का आंसर सही। बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीएफ। फुल फॉर्म बताओ पीडीएफ का पूरा नाम। आंसर बी सुनील जी बादुका, बिल्कुल सही। बी आंसर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। साथियों इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्यों कहते हैं? क्योंकि पीडीएफ फाइल कहीं भी ओपन हो जाती है उसके लिए। जैसे वर्ड में फाइल बनाई, कहीं खोलो, कहीं डाउनलोड करते हो तो वर्ड होगा तो ही ओपन होगी उसमें। तो इसलिए वर्ड की, एक्सेल की जो फाइलें बनाओ, पीडीएफ बना के भेज दो तो इंटरनेट में कहीं से भी एक्सेसिबल है। उसके लिए किसी स्पेसिफिक उस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। आप बस करते एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल हो आपके कंप्यूटर में। तो ये हो गया। अपने पास आगे चलते हैं। 29 को बाइनरी में बदलिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। सबके उत्तर गलत है, सबके उत्तर गलत आ रहे हैं, सबके उत्तर गलत आ रहे हैं। मैं आपको पहले कन्वर्ट करके बताऊं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको समझाता हूं क्या आएगा इसका। एक ट्रिक बताऊंगा आपको। जैसे 2 का डिवाइड किया, डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 14 दूना 28, रिमाइंडर 1। फिर 2 से दिया, 7 दूना 14, रिमाइंडर क्या रहा? 0। क्लियर। फिर 2 से दिया, 3 दूनी 6, रिमाइंडर क्या रहा? 1। फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1। फिर 2 से दिया तो ये खुद रिमाइंडर में चल जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब उसको उल्टा लिखेंगे, 1 1 1 0 1। ये कहाँ लिखा हुआ? यहाँ लिखा है। इसका आंसर ये सही। अब आप कहोगे सर एग्जाम इतना टाइम लगेगा, तो फिर तो हम हो गए, कमा के खा लिया अपन ने। तो अब शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी आपको। अभी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अपन 29 लिखते हैं तो 29 में कैसे जोड़ोगे आप? ऐसे सीधा उल्टा जोड़ना चालू करो। 16 + 8 + 4 + 1 कितना होता है? 29 होता है। अब ये कैसे जोड़ा, क्यों जोड़ा? आप सीधा ऐसे याद कर लो कि 1 2 4 8 16 32 और 64। दिख रहा है आपको? क्लियर। अब जैसे किसी की भी बाइनरी आ जाए आपके पास, जैसे पूछ जाए 7 की बाइनरी क्या होती है, 7 को कैसे जोड़ेंगे? 8 और 2 तो नहीं जोड़ेंगे,
आठ और दो जोड़ने सात हो रहा है क्या? ये भी नहीं जोड़ रहा है। अपन सात कैसे जोड़ेंगे? इसको और इसको और इसको जोड़ेंगे। तो जहां जहां नहीं जोड़ा जाता, जिस संख्या को नहीं जोड़ा जाता उसको जीरो मान लो, और जहां जोड़ा जाता उसको क्या मान लो? वन। तो तीनों को जोड़ा गया, इसलिए क्या आंसर क्या हो गया? वन। तो सात का बाइनरी क्या हो जाता है हमारे पास? वन 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 हो जाता है। क्लियर? इसलिए मान लो अपन को 22 का बाइनरी निकालना है। किसका निकालना है? 22 का। तो 22 को अपन कैसे जोड़ेंगे? 16 और 8 विधि जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे और 4 जोड़ेंगे। 16 और 4 20, 20 में 2 22, ठीक है ना? क्या जोड़ा हमने? 16 जोड़ा, तो जोड़ा 8 नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा, फिर क्या जोड़ा? 4 जोड़ा, जोड़ा, फिर क्या जोड़ा? 8 4 16 4 20, फिर क्या जोड़ा? 2 जोड़ा, जोड़ा, ये नहीं जोड़ा, तो जीरो आ गया। तो ये किसका बाइनरी हो गया? 22 का। काउंट कर लो, 2 4 8 16, जीरो वाले जोड़ो मत। 16 4 20 2 22, कोई भी संख्या आ जाए। जैसे मान लो आपके पास 80 आ गया, क्या आ गया? 80 आ गया। 80 का बाइनरी निकालना है। 80 में इसमें से क्या जोड़ोगे? जैसे आपके सामने लिखा हो, देखो 1 2 4 8 16 32 64 128 2 56, इस तरह से चलता रहेगा ये। अब आपको जैसे माना कि 80 का बाइनरी निकालना है, किसका निकालना है? कहाँ गया नंबर 80 में? क्या लिखा? लिखा 80 का बाइनरी निकालना। एक इसको मिटा तो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। आपको 80 का बाइनरी निकालना है। 80 में क्या जोड़ोगे? 64 जोड़ लेते हैं, ठीक है? 64 में 32 तो जोड़ेगा नहीं, तो 64 जोड़ा, ठीक है, एक लिख दिया, 32 नहीं जोड़ा, जीरो लिख दिया, क्या जोड़ा? 16 जोड़ देते हैं। 64 में 10 कितने हुए? 74 में 6, बिल्कुल। तो यहां क्या लिख देते हैं अपन? ये जोड़ा अपन ने, तो क्या लिख दिया? ये नहीं जोड़े, 1 2 3 4 नहीं जोड़े, तो 1 2 3 4 नहीं जोड़े, बस जोड़ दो। तो 1 2 4 8 16 32 64, 1 2 4 8 16 32 64, तो 64 में 16 जोड़ दो, कितने हो गए? 80 हुए कि नहीं हुए? तो ये किसका बाइनरी हो गया? 80 का हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे साथियों, लॉजिक मुझे यस तो लिख के बताओ। कोई भी आ जाए, कोई भी बाइनरी पूछ ले आपको। जैसे बाइनरी पूछा, मान लो 40 का बाइनरी क्या होगा? 40 में किससे जोड़ोगे? 40 बनेंगे, बड़ी संख्या ले लो, 32 ले लो, 32 में 8 जोड़ दें, तो 32 वाले को लिखो, 1 16 नहीं जोड़ा, 0 8 जोड़ा, जोड़ा आगे ये नहीं जोड़ा, 0 0 लिख दो, फट देनी। क्लियर? इस तरह से समझ गए? आगे बढ़े, बिल्कुल। अब आप में से कुछ लोगों ने RSCID इधर उधर से कहीं से किए होंगे। हम लोग हमारे बच्चों को IIT गुरुकुल में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से IIT RSCID CCC ओ लेवल कोर्स का बढ़िया पढ़ाते हैं, और बच्चों के नॉलेज काम में आते हैं। तो साथ ही कहीं भी पढ़ने जाए, कोई भी कोर्स करे, बढ़िया पढ़े उसको, ठीक है? राकेश जी कह रहे हैं, वापस समझाइए सर। बिल्कुल, एक सेकंड ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कि जब भी किसी नंबर का बाइनरी निकालना, तो आप एक टेबल लिख दो सीधी, ऐसी 1 2 4 8 16 32 64 128, इसके स्क्वायर में करते रहो, लिखते रहो इसको। अब हमारे पास आ गया कि 30 का बाइनरी निकालो। तो 30 कैसे जोड़ेंगे अपन? क्या जोड़ें 32 में? तो ये तो संख्या यूज ही नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना? तो अपने पास कितना जोड़ना है? जोड़ो, 30 कैसे जोड़ोगे आप? 16 जोड़ दें, 8 भी जोड़ दें, 16 8 24 4 28 2 30, जोड़ा 1 1 1 1, यही जोड़ा, जीरो लिख दो। तो ये किसका बाइनरी हो गया? 30 का बाइनरी। 2 4 8 16, 16 8 24 2, 16 8 24 4 28 28 2 30, हो गया। इस तरह से मान लो अपने पास बाइनरी आता सर 45 का बाइनरी बताओ, 45 का बाइनरी बताओ, जल्दी बताओ। तो 45 में अपन क्या जोड़ेंगे, जल्दी बताओ? 64 तो नहीं जोड़ेगा पक्का, 32 के बाद ही जोड़ेंगे। तो एक 32 जोड़ देंगे, चलो ठीक है, क्या जोड़ देंगे? एक 32 जोड़ देंगे, 32 16 भी नहीं जोड़ेगा, 32 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 32 में 8 जोड़ देंगे, 40, 1 4 जोड़ देंगे और 1 ये जोड़ देंगे। कौन कौन से जोड़े मैंने? 32 8 2 1, 32 8 40 2, 32 8 40 और 4 44, ये जोड़ दे, 44 और 1 45 है ना, ठीक है, एक से तो 32 जोड़ा, ये नहीं जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये नहीं जोड़ा और ये जोड़ा, तो एक ये जोड़ेगा नहीं, 4 8 16 32, ये भी जोड़ेगा, जीरो वाला जोड़ो मत, 16 8
सॉरी 32 और 8 40, 40 और 4 44, 1 45। समझ गए होंगे आप, जब इतना लंबा नहीं लेंगे, आगे प्रश्न कराने मुझे फिर भी नहीं समझे, मुझे फोन करना, व्हाट्सएप से समझा देंगे। क्लियर? नंबर चाहो तो लिख लो। चलते हैं, चलते आगे। पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? पीसीबी का पूरा नाम पंजाब कॉमर्शियल बैंक बैंक नहीं होता है, तो पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारे पास। क्लियर? तो हमारे पास ये सारी चीजें हो गई, आगे चलते हैं। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? 8 बिट इज बराबर ऑफ 1 बाइट, और इसी तरह से 4 बिट इज बराबर ऑफ 1 निंबल। क्लियर? नाउ चले आगे। तो बी सही, निनमे से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी संबंधित नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी से कौन रिलेवेंट नहीं है? ये नहीं है, बाकी सब है। ये भी है, मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक सस्पेंशन है, ठीक है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्लियर? नाउ जल्दी करें आगे। महेंद्र जी पूछे सर पीसीबी क्या होती है? महेंद्र जी मदरबोर्ड पे जो चिप वगैरह जो होते हैं ना, उसमें उसी का पार्ट है पीसीबी, थोड़ा हार्डवेयर का पार्ट है। कभी डिस्कस करें, अभी आप ये समझ लो मदरबोर्ड का पार्ट है पीसीबी। क्लियर? आईसीटी किसका नाम है? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में आईसीटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इंटर स्टेट भी नहीं है, तो बचा डी। तो आंसर डी सही, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलते आगे। 1024 GB किसके बराबर होता है? 1 किसके बराबर? TB के बराबर। किसके? 1। तो आंसर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी है जो आंसर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल दशरथ जी का आंसर सही। ट्रोजन एक क्या है? ट्रोजन एक बहुत खतरनाक वायरस है सर, बहुत खतरनाक वायरस। जल्दी बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। जल्दी बताओ, ट्रोजन वायरस का नाम है भाई, और वायरस को और क्या बोलते हैं? हम कंप्यूटर भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल है? नहीं है। तो क्या है? मैलवेयर्स है। क्या है? गंदे प्रोग्राम है, मैलवेयर्स। क्लियर? आंसर इज सही। आगे चलते हैं। मैकिंटॉश कंप्यूटर का डिजाइन किसने किया? साथियों अपन जो विंडोज यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का करते हैं। किसका करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट का। इस तरह से एप्पल कॉर्पोरेशन का भी एक बहुत पॉपुलर OS है जिसका नाम है मैकिंटॉश। अपन जो नॉर्मल लैपटॉप बोलते हैं ना, इस तरह से एक मैकबुक भी आती है हमारे पास, जो एप्पल कॉर्पोरेशन का OS होता है, मैक उसमें OS होता है, जिसको अपन मैकबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकबुक बोलते हैं, और बड़े महंगा आता फिर वो। क्लियर?
नाउ निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस का मतलब ऐसा डिवाइस जिसको आप इजीली यूएसबी से कनेक्ट कर से कंप्यूटर से जोड़ सकते हो, है ना, किसी यूएसबी या जो भी अलग पोर्ट से इजीली आप प्लग इन प्लग आउट कर सकते हो, उसे अपन बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। प्रिंटर भी प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं, मॉनिटर भी प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं, कीबोर्ड भी प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं, बट मदरबोर्ड को ऐसे हम नहीं निकाल सकते हैं। हमारा जो बॉडी है ना, घड़ी हमारा पेरिफेरल डिवाइस है, लूंग पेरिफेरल है, नथ पेरिफेरल है, बट किडनी कहूँ निकाल के बताओ, देखे मुझे निकाल दोगे? नहीं निकाल दोगे, ठीक है। इस तरह से चलो आगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बहुत सुंदर प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल आंसर सही, ए आंसर। अशोक जी के वार्ड्स नंबर मांग रहे हैं भाई, ये लिखे अशोक जी के वार्ड्स नंबर, क्लियर? और भी है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? देखो साथियों, अपने जो आजकल सारी मैक्सिमम जीएसएम सिम यूज होती है, स्टार्टिंग दो टाइप की सिम आती थी हमारे पास, सीडीएमए सिम आती थी और एक आती थी जीएसएम। ऐसे ये दो बड़ी टेक्नोलॉजी है, डिस्कस कभी बाद में करेंगे, लंबी विषय की बात हो गई है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इसका फुल फॉर्म है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीएमए। तो जीएसएम कहाँ लिखा है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, सी आंसर सही है, क्लियर, वेरी गुड। चलते हैं आगे। हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? अपन जो इमीडिएटली डिलीट करते हैं, नॉर्मली फाइल कहाँ जाती है? बिन, देखा दे रहा। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। किसी फाइल को कंप्यूटर में से स्थायी रूप से हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? शिफ्ट डिलीट की का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे शिफ्ट और डिलीट की का उपयोग करेंगे तो कंप्यूटर से अपनी फाइल परमानेंटली हट जाएगी, या रिसाइकल बिन में जाकर के उस फाइल को डिलीट कर दो, डिलीट फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, और यू शुड हैव टू प्रेस प्रिंट शिफ्ट प्लस डिलीट की। आगे चलें, इतने ही प्रश्न है। चलो अब कुछ और बात कर लेता हूं आपसे, कि लगभग अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आज संडे है, अब मैं वापस ट्यूसडे को क्लास लूंगा आपकी, क्लियर? और एक दिन में और भी सोच रहे हैं कुछ डिटेल में जो है, तो उसका भी बारे में बता दूंगा आपको, इन्फॉर्मेशन क्या है। एक मेरा काम करेंगे आप, यूट्यूब पे अनिल राखेचा लिखोगे, मेरा एक चैनल भी है जिसमें और भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो है वहां डाले हुए, है ना, और भी डिटेल कंप्यूटर के मिल जाएंगे आपको, तो अनिल राखेचा लिख देना, वहां मिल जाएगा आपको, आईटी एंड टेक्निकल गुरु जी नाम से। ठीक है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर गुरु जी को एक गुरु दक्षिणा दीजिए, क्लियर। और अपने इस ग्रेट कॉन्सेप्ट चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करवाएं, लाइक करें। आप देखो जितने वीडियो में लोग थे उतने सारे लाइक है कि नहीं है? देखो 22-23 लोग थे, 22-23 लाइक है सर, हाँ, तो सभी लाइक कर लिया, अगर आते ही लाइक तो करना ही करना है। अपन कहीं सभा वगैरह जाते हैं तो पूजा की सभा वगैरह में तो महाराज क्या करते, तिलक करते नहीं करते? तो हमारे भी आते, आप लाइक कर दिया करो तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगे, क्लियर। किसी को कोई डाउट हो जरूर कमेंट कर सकते हैं, अगले बस 12 बज गई है, और जिनका वोट लगता है जरूर वोट दें जाकर के।